हाय एवरीवन, आज मैं रिव्यू करूंगी एडविन आस्था विन होम्योपैथिक मेडिसिन का। इट्स अ सिरप और ये मेडिसिन यूज़ होती है एज अ ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर क्या होता है? ज़्यादातर एस्मा की कंडीशन में जब हमारे जो जो मसल्स होती हैं उनमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जो पैसेजेस होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको रिलीज करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ब्रोंको डायलेटर यूज़ होते हैं, जो कि मसल्स को, लंग की मसल्स को रिलैक्स करते हैं, एयर पैसेजेस को ओपन करते हैं ताकि सांस आसानी से ली जा सके। तो एक तो ये क्रॉनिक कंडीशन हो गई एस्मा, उसके अलावा जो कफ कोल्ड होता है, जब इन्फेक्शन हो जाते हैं तब मसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और पैसेजेस जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, म्यूकस ज़्यादा पैदा होता है, कफ ज़्यादा बनता है और ये स्टिकी कफ होता है। यहाँ आप इंडिकेशन में भी देख सकते हैं, अ पोटेंट ब्रोंको डायलेटर हेल्प्स इन एक्सपेलिंग स्प्यूटम, relieves spasm of bronchial tubes, relieves in cases of difficult breathing cough, suffocative cough and wet cough. तो कफ जितना बनता है, म्यूकस और कफ जो बनता है उसको रिलीज करने के लिए ब्रोंको डायलेटर यूज़ किया जाता है। तो अभी मुझे हाल फिलहाल में ऐसी इशू हुई, और वैसे मैं आपको ग्रेलिंटस बताती रहती हूँ कि ग्रेलिंटस लो, और भी कई मैंने आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं, बट दिस मेडिसिन इज़ क्वाइट इफेक्टिव। और इसको लेते कैसे हैं? अगर आप अडल्ट हैं तो 2 टीस्पून ले सकते हैं, बच्चों को देना है तो 1 टीस्पून फुल दे सकते हैं, थ्राइस अ डे 3 बार दिन में देना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इससे कोई नींद नहीं आती है, लेजी फील नहीं करते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन में है एरियोडिक्टियन ग्लूटिनोसम, लोबेशिया इन्फ्लाटा, एफेड्रा वल्गैरिस, स्पॉन्जिया टोस्टा, सिनेगा, कैक्टस ग्रैंडी फ्लोरस, अरेलिया रेसमोसा, इस्ट्रेमोनियम, कोरेलियम रुबरम, इपिक एक्वाना, सिरप, प्यूरिफाइड वाटर, एल्कोहल कंटेंट। जो पैक है ये 450 ml का है, इसका प्राइस है 340 rupees और इसकी शेल्फ लाइफ 5 साल है। आस्था विन या आस्था एड करके बैक्सन में आती है, दोनों ही इफेक्टिव हैं, आप बैक्सन की भी ले सकते हैं, एडविन की भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने एडविन का यूज़ किया, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी अगर आपको एडविन की भी मेडिसिन मिले तो आप इसको लीजिए और बिना किसी कन्फ्यूजन के लीजिए, बहुत जल्दी आपकी जो खांसी है और जो ब्रेथलेसनेस है वो इससे दूर हो जाएगी, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ये छोटे पैक में भी आती है, अगर आपको ऑनलाइन ना मिले तो आप इसे होम्योपैथिक शॉप से, जहाँ मेडिसिन मिलती है वहाँ से जाके, होम्योपैथिक फार्मेसी जो है वहाँ से जाके ले सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।